मॉर्निंग में कुफोर्ज दिया था, साथ ही आपने माइंडट्री पर आप हमेशा बात करते हैं, आईटी पैक की हम बात कर रहे थे, आपका व्यू एक बार फिर से व्यूअर्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी भी आप बुलिश है ना इन पर कि ये परफॉर्म करेंगे बिफोर द नंबर्स, अब तो समय भी है खरीदने का कि अब टीसीएस के नंबर्स शुरू हो जाएंगे, तो एक गाइडेंस मिड कैप आईटी के लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं लिया तो ले लेना, क्योंकि आपको इसी चेष्टा में मत रहना कि आज 3-4% बढ़ गए, बिकॉज दे आर गोइंग टू गो अप 20%। द बिजनेस इज डूइंग फाइन एंड ये जो इन्फ्लेशन का थ्रेट है अगर वो मॉडरेट होता है एट्रिशन विल फॉल एंड सो ऑन, तो कोई दो राय नहीं। आई थिंक आई टी इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टू बाय, द रुपी इज अ टेल विंड और उसके इससे अच्छा कोई समय उनके लिए हो नहीं सकता। कोफोर्ज आपको सुबह 3520 में कहा था, 3640 बिक गया, और उसके अलावा आपको मैंने अडानी पोर्ट दिया था, टाटा केमिकल आउट परफॉर्म है, कुछ दिन पहले आइशर मोटर बड़ी जोर से कहा था आपको 2725-30, 2910 बिक गया, और SBI कार्ड वो 700 वाला 850 हो गया। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, स्वीट स्पॉट में आईटी स्पेस है एंड सो इज FMCG। FMCG में लगातार न्यूज फ्लोज भी आ रहे हैं और FMCG में एक रिबाउंड भी हम देख रहे हैं, इन स्टॉक्स पर भी एक बार अपनी राय बताएं। बिल्कुल जी, और मेरा पिक भी आज FMCG से ही है, तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। मेरे पे सब पे पॉजिटिव हूं। गोदरेज कंज्यूमर देखिए न्यू हाई हो गया, 630 रुपए पे कहा था कि गोदरेज 4 डिजिट में जाएगा, और अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और अब आपको ऐसा स्टॉक दे रहा हूं जो फिर 4 डिजिट जाने के लिए तैयार हो रहा है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। ईगर टू नो संजीव जी, बताइए। टाटा कंज्यूमर द बेस्ट प्ले, इवन इट इज मोस्ट रीजनेबल FMCG स्टॉक फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, और इसने कुछ भी नहीं किया, ये 850 रुपए जाएगा। अभी इसका भाव है 745-46, 726 रुपए का स्टॉप लॉस, 800 रुपए का टारगेट। और दूसरा पिक मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट बैंक, जहां कासा निम नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी हाईएस्ट, 3375 में लीजिए, 33 का स्टॉप लॉस, 35.5 का टारगेट। बहुत ही शानदार कॉल आपकी टाटा कंज्यूमर पे और गोदरेज कंज्यूमर पे आती हुई, संजीव जी शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है, M&M फाइनेंशियल, राजेश M&M फाइनेंशियल लैग कर रहा है थोड़ा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दोनों इक्विपमेंट कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट टाइप के चीजों की फाइनेंसिंग करते हैं, और पहले 3-4 दिन से श्रीराम ट्रांसपोर्ट चल रहा था वन साइडेड, आज M&M फाइनेंशियल की लग रहा है बारी आ गई है। जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में लिया है इसको, हमने बात भी की थी सुबह, क्या लग रहा है लेवल्स? अजय जी देखिए M&M फाइनेंशियल का अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो स्टॉक अपने एक